जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेकर के आते हैं। मेरे इस चैनल पर हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए मित्रों, हमने अभी पीछे ब्रकूट दोष के ऊपर कुछ हमने वीडियो बनाए हैं। अभी हमने पहला वीडियो आपके सामने डाला है कि द्वादश जो योग होता है कुंडलियों में, उसमें जो ब्रकूट दोष बनता है उसका परिहार और उसमें कैसे शुभता अशुभता देखते हैं, ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है षडाष्टक योग का। देखिए, कुंडली में ब्रकूट दोष तीन प्रकार से बनता है। पहला बनता है द्वादश योग से, दो बारह के योग से। दूसरा बनता है षडाष्टक यानी छः आठ के योग से। और तीसरा बनता है नव पंचम यानी नौ पाँच के योग से। तो पहला दो बारह का योग के वीडियो हम आपके सामने अपलोड कर चुके हैं, आप देख रहे होंगे। दूसरा जो वीडियो है आपके सामने, ये छः आठ योग का है। षडाष्टक योग का मतलब होता है आठ और छः का योग। अब इस योग में शुभता क्या होती है, अशुभता क्या होती है, परिणाम क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। शुभता कौन से नक्षत्र राशियों को आपस में छः आठ का योग होने पर भी शुभता होती है, और कौन सी राशियों में आपस में छः आठ का जो योग होता है उसमें अशुभता होती है। जिसमें अशुभता होती है, हमें उन राशियों की आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। जिनमें शुभता होती है उनकी हमें शादी करना चाहिए। आपके सामने अष्टकूट गुण की तालिका आपके सामने लगी हुई है। इसमें जो ब्रकूट का हम वीडियो आपको बना चुके हैं, नाड़ी दोष का वीडियो हमने आपको पहले बना के यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। अब की जो बात करते हैं, ये बात है आपके लिए ब्रकूट में षडाष्टक योग के। अभी ब्रकूट का योग चल रहा है, दूसरा वीडियो आपके सामने आया है आज। देखिए, षडाष्टक योग का मतलब होता है कि वो राशियाँ जो एक दूसरे से छः गिनती करने पर या आठ गिनती करने पर आती है, उनमें आपस में अगर राशियों में मित्रता नहीं है, राशि के स्वामियों में मित्रता नहीं है, तो वो जो दोष है वो ब्रकूट दोष कहलाता है। आपके सामने जो राशियां होती हैं वो ये हैं। मेष राशि स्वामी मंगल होते हैं, वृष राशि के शुक्र देवता होते हैं स्वामी, मिथुन के स्वामी बुध हैं, कर्क राशि के चंद्रमा स्वामी होते हैं, सिंह राशि के सूर्य स्वामी हैं, कन्या राशि के बुध हैं, तुला के शुक्र हैं, वृश्चिक के मंगल हैं, धनु के बृहस्पति हैं, मकर के शनि हैं, कुंभ के शनि हैं और मीन राशि के बृहस्पति, ये इन राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। इन राशियों में अगर आपस में मित्रता जहाँ जहाँ होगी, छः आठ के माध्यम से होगी, वो जो राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं तो शुभता मानी जाती है। और छः आठ के योग को अगर हम देखते हैं, आपस में जो राशि और स्वामियों की जो मित्रता है वो नहीं है, तो उसमें फिर अशुभता मानी जाती है। तो शुरुआत करते हैं पहले मेष राशि से। आपके सामने ये मेष राशि है, इससे अगर हम आठवीं राशि गिनते हैं तो मेष से आठवीं राशि आती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि से छठवीं गिनेंगे तो मेष राशि आती है। इनमें मित्रता है, हम इसमें शादी कर सकते हैं, शुभता होती है। कारण क्या है कि मेष और वृश्चिक का जो स्वामी है तो मंगल होता है, और मंगल की दोनों राशियां हैं, इसलिए छः आठ का योग ये शुभ होता है। इसमें बच्चों के विवाह शादी करने में कोई भी मानसिक, व्यावहारिक या वैचारिक कोई परेशानी नहीं आती है। दूसरी वृष राशि की बात करते हैं, तो वृष राशि से छठवीं राशि आठवीं राशि गिनती करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः तुला राशि आती है, और तुला राशि से अगर आठवीं बात करते हैं तो वृष राशि आती है। तो वृष और तुला इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा संयोग होता है, ये तुला और वृष के बारे में बताया हुआ है, इनकी शादी में कोई रुकावट नहीं है। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि से छठवीं जो राशि आती है, एक दो तीन चार पाँच छः वृश्चिक राशि आती है मिथुन से छठवीं राशि। अब वृश्चिक राशि के स्वामी और मिथुन राशि के स्वामी आपस में मित्र नहीं है, तो इसके लिए इसके अंदर ये अशुभता होती है, हम इसमें शादी नहीं कर सकते। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि से छठवीं गिनती करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः धनु राशि आती है,
तो कर्क के स्वामी चंद्र, धनु के स्वामी बृहस्पति दोनों मित्र हैं, तो ये शादी वैध है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये धनु राशि और कर्क राशि का हो गया। 6-8 से गिनती करें, 8-6 से गिनती करें, ये शुभ है। अगली राशि आती है इसमें सिंह राशि। सिंह राशि से छठवां 1, 2, 3, 4, 5, 6 मकर राशि आती है और मकर से 8वां सिंह राशि आती है, ये भी शुभ नहीं है। आपके सामने सिंह और मकर ये भी अशुभ होते हैं, इसमें बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला का आपको बता चुके हैं, वृश्चिक का आपको बता चुके हैं, धनु का बता चुके हैं। अब राशि आती है मकर राशि। मकर राशि से छठवीं गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिथुन राशि आती है, ये शुभ होती है। मिथुन से मकर बिल्कुल शुभ होती है। 6-8 हो इसमें, 8-6 हो, मिथुन से ये छठवीं है, इससे ये 8वीं राशि बनती है, तो इस प्रकार इसकी शादी भी वैध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुंभ राशि आती है। कुंभ से छठवीं राशि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुंभ से छठवीं राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि और कुंभ राशि इनमें शादी वैध नहीं है, ये चाहे आप 6-8 से गिनती कर लीजिए, आप यहाँ से गिनती करेंगे या यहाँ से गिनती करेंगे, 6-8 का जो योग है ये बढ़िया नहीं है, इसमें शादी मान्य नहीं है। अगली राशि मीन राशि आती है। मीन राशि से छठवां देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंह राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, सिंह के स्वामी सूर्य दोनों मित्र हैं, ये बिल्कुल भी वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें दोष नहीं होता। अगली राशि की बात करते हैं कन्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कन्या राशि और कुंभ राशि आपस में दोनों मित्र हैं, इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, ये भी वैलिड मानी जाती है। वृष और धनु राशि शादी नहीं हो सकती, तुला और मीन राशि की शादी नहीं हो सकती है। आपके सामने ये अष्टकूट तालिका है, इस तालिका में भ्रकूट को 7 नंबर मिलते हैं, कम से कम हमें 18 नंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 36 नंबर होते हैं। अगर भ्रकूट दोष कुंडली में आता है तो ये आपसी व्यवहार, पति पत्नी के वैचारिक जो मतभेद होते हैं या एक सुलझी समझ होती है उसको ये डिपेंड करता है, ये जो भ्रकूट दोष है षडाष्टक दोष ये क्या प्रभाव डालता है। आपसी विचार, आपसी व्यवहार और आपस में जो प्यार होता है पति पत्नी के बीच में, वो इस भ्रकूट षडाष्टक दोष से हम देख सकते हैं। 7 नंबर चाहिए तो ये राशियाँ जो शुभ षडाष्टक इसमें शादी करें, ये 7 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, और अगर आप अशुभ वाले में शादी करेंगे तो यहाँ 7 नंबर की जगह आपको 0 पॉइंट मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि षडाष्टक जो दोष होता है अशुभ ये है और शुभता उसके अंदर ये है। आप जब भी मैच करते हैं कंप्यूटर के द्वारा करें तो कंप्यूटर तो शो करता है, अगर आप हाथ के द्वारा करते हैं तो आपके सामने मैंने तालिका दी है, इस तालिका के हिसाब से अगर आप बच्चों की शादी का मिलान करते हैं, षडाष्टक दोष देखते हैं भ्रकूट दोष में, तो उसका जो परिणाम है आपके सामने है, इसमें आप शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आप शादी नहीं कर सकते, इसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो षडाष्टक योग जो दोष होता है भ्रकूट दोष, उसमें किस प्रकार से हमें बचना चाहिए, ये 6-8 का दोष कहलाता है, हमें किस हिसाब से बचना चाहिए ताकि उन बच्चों की जो भविष्य है या उनकी जो जीवन है या उनकी ज़िंदगी है वो अच्छी रहे, आपस में तालमेल बना रहे और वो ज़िंदगी में सुख और शांति महसूस कर पाएँ। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बहुत सारे वीडियो आप YouTube पर देखते हैं लेकिन जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, हर चीज़ आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, अब वो आपको कोई नहीं समझाएगा। तो जो शुभता है और जो अशुभता है आपके सामने दोनों चीज़ दे दी हैं, राशि का चार्ट आपके सामने है, अष्टगुण जो तालिका होती है अष्टकूट की वो आपके सामने है, कितने गुण चाहिए, कितने टोटल होते हैं, इतने कम से कम चाहिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 18 गुण हमें अवश्य चाहिए। अगला जो चैप्टर आएगा भ्रकूट दोष का वो आता है नव पंचम, ये नव पंचम कहते हैं उसको। पहला होता है द्वादश दोबारा और दूसरा होता है 6-8 का योग जिसको षडाष्टक दोष बोला जाता है, तीसरा आएगा नव पंचम का 9 और 5 का, इसमें शुभता किस किस में होती है और किस किस में शुभता नहीं होती है, ठीक है। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, हमारा चैनल आप देखते हैं, आपका बड़ा प्यार हमें मिल रहा है, आपको बहुत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है,
जितने भी हमारे जो ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत खुशी की बात है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमें देते हैं। आप, हम आपका बड़ा आभार मानते हैं इस चीज़ का। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप उसको अपने जो मित्र हैं, आपके जो सर्कल में फ्रेंडशिप है, उसमें उसको शेयर अवश्य करें। आप एक काम और करें कि जो बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल अवश्य करें कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, तो आप हमारी नई जानकारी साथ साथ देख सकते हैं। तो मित्रों, मैं महेश पाठक आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगला वीडियो लेके नव पंचम युग का शीघ्र ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।